कोरोना के खिलाफ देश में लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने इस चरण के दिशा निर्देश तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया था, जिसके बाद यूपी सरकार ने लॉकडाउन 4.0 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। 31 मई तक जारी लॉकडाउन 4.0 के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य में कई चीजों के लिए छूट दी गई है, लेकिन कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। यूपी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राओं पर रोक बरकरार रहेगी। मेट्रो रेल की सेवाओं पर प्रतिबंध भी जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, सभागार बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियों पर रोक बरकरार रहेगी। धार्मिक स्थल और पूजा स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक जुलूस भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। इसके साथ ही सरकार ने लोगों को लॉकडाउन 4.0 के लिए कई तरह की रियायतें भी दी हैं। हालांकि इसके लिए कई तरह की शर्तें लगाई गई हैं, यानी लोगों को इन छूट को हासिल करने के लिए तय प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक सूबे में जो भी दुकानें खुलेंगी उनके सभी दुकानदारों को फेस कवर, मास्क लगाना होगा, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा, दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। बिना मास्क लगाए आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं दिया जा सकेगा। बाजार इस तरह खोले जाएंगे कि हर दिन अलग अलग बाजार खुले। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलने की छूट दी गई है। सब्जी और फल मंडी सरकार की ओर से तय दिशा निर्देश के मुताबिक नियत समय पर ही खुलेंगी। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी। ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की छूट दी गई है। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की छूट दी गई है। मिठाई की दुकानों को भी केवल होम डिलीवरी की छूट दी गई है। बारात घर खोले जा सकेंगे, लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति जरूरी होगी। शादी समारोह में 20 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं दी गई है। स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी को अपना काम करने की छूट दी गई है। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्तियों को चलने की छूट दी गई है। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति है। थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्तियों को चलने की छूट दी गई है। प्रिंटिंग प्रेस और ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खुलने की इजाजत है। नोएडा, गाजियाबाद में दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया के लोगों के अलावा दूसरे लोगों को आने जाने की छूट होगी। 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के बाहर निकलने पर पाबंदी है। हमें अपने बुजुर्गों को, जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उन लोगों को, गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को इस संक्रमण से बचाना है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि जो बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और छोटे बच्चे हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त जो लोग हैं, वो अत्यंत आवश्यक होने पर, अपरिहार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें और वो घर के अंदर ही रह करके अपना संक्रमण से बचाव करें। राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहनों और बसों का अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए अभी इजाजत नहीं दी गई है। इसके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। राज्यों की ओर से निर्धारित किए गए यात्री वाहन और बसों को राज्य के अंदर आवागमन के लिए अभी अनुमति नहीं दी गई है। इसके लिए भी अलग से आदेश जारी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।